सो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले फिटनेस वर्सेस बॉडी बिल्डिंग के बारे में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कैसे पता चले कि हमें फिटनेस में जाना चाहिए या बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहिए, तो उसी के बारे में गुरु जी आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग से रिलेट नहीं करना है। देखो, फिटनेस आपकी ज़रूरत है, 24 आवर 365 डेज आपकी ज़रूरत है। फिटनेस हर आदमी ज़रूरत है, बॉडी बिल्डिंग आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आपका एक ड्रीम है कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में नंबर वन बनने का। फिटनेस में टारगेट नहीं है, फिटनेस लाइफस्टाइल है आपका। आप डे टू डे लाइफ में फिट रहें, एनर्जेटिक रहें, बिना थके काम कर पाएँ, फिटनेस का यही टारगेट है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में ये टारगेट बेस है। आपको एक पर्टिकुलर डे, जिस दिन आपका कंपटीशन है, उसके लिए अपने आपको प्रिपेयर करते हैं, 4 से 6 महीने लगाते हैं उसमें, और किसी एक खास दिन आपको अपना बेस्ट देना है। फिटनेस में ऐसा नहीं है। फिटनेस तो रोज़ आपका रूटीन से एक लाइफस्टाइल है। 1 से 1.5 घंटा आप निकालेंगे, थोड़ा सा डाइट अपनी हेल्दी रखेंगे, आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। हमेशा फिट रहने का यही मंत्र है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में आपको हमेशा एक्सट्रीम पे जाना पड़ता है, ट्रेनिंग में भी, डाइट में भी। फिटनेस पे एक्सट्रीम पे जाना नहीं होता आपको। 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट काफ़ी है। कभी कभी डाइट में चीट भी कर लिया तब भी चलेगा, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। ना कोई आपको ट्रेनिंग स्किप करना है अपना, ना कोई मील, एक भी सिंगल मील भी मिस नहीं करना है। फिटनेस में आपको नंबर वन नहीं होना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। आप अपने डे टू डे रूटीन को अच्छे से कर पाए, यही टारगेट है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में आपका टारगेट होता है नंबर वन बनने का। आज हमने एक स्टेज अचीव कर लिया, विनर बन गए, अब नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा, उससे बड़ा टारगेट, फिर उसको जीत लिया, उससे बड़ा टारगेट। और देखो, फिटनेस परमानेंट है, आप करते रहेंगे, फिट रहेंगे हमेशा, ये परमानेंट हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग जो आप स्टेज में देखते हो, वो परमानेंट नहीं है, वो बिल्कुल टेम्परेरी, एक दिन के लिए। जो फॉर्म आप स्टेज में देखते हो, उसको आप हमेशा मेंटेन नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस बॉडी में करके, डाइट में, ट्रेनिंग में, कार्ब्स पे, नमक पे, पानी पे, जब हम उस दिन वो अपना बेस्ट दिखाते हैं, तो वो उसको डेली मेंटेन नहीं कर सकते आप। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कम्पिटिटिव एथलीट का फोटो दिखाई, कैसे ऐसा फिजिक बनाना है। अरे भैया, वो एथलीट भी पूरे साल ऐसा नहीं रहता है। वो स्टेज पर कुछ और दिखेगा, 10 दिन बाद आपको कुछ और दिखेगा, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी नहीं है उस फॉर्म में रहने की। हमारा ह्यूमन बॉडी हमेशा अपने कंफर्टेबल स्टेज में रहना चाहता है, बस उसको थोड़ा सा वर्कआउट चाहिए डेली और अच्छी डाइट चाहिए, दैट्स इट। स्पोर्ट्स अलग चीज़ है, कोई भी स्पोर्ट्स में, बॉडी बिल्डिंग नहीं, आप किसी भी स्पोर्ट्स को लें, वो परमानेंट परफॉर्मेंस नहीं है जो आप उस दिन इवेंट वाले दिन देखते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, क्रिकेट से लेके हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, रनिंग, कोई भी स्पोर्ट्स लें, उस पर्टिकुलर डे, जिस दिन इवेंट है, वो परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर नहीं रहती। यही सेम बॉडी बिल्डिंग का है। तो स्पोर्ट्स में आपको एक्सट्रीम पे जाना है, फिटनेस में आपको एंजॉय करना है। आप कभी कभी फाउल्स भी करेंगे, चलेगा, कभी कोई ट्रेनिंग मिस भी होगी तो चलेगा, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी स्पोर्ट्स में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और अपनी परफॉर्मेंस को पीक पे लेके आने के लिए आप बहुत सारी ऐसी एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ करते हैं जो आप नॉर्मल फिट आदमी के लिए मैं प्रेफर नहीं करता, डाइट से लेके ट्रेनिंग तक सब। तो आप इसको रिलेट ना करें, बॉडी बिल्डिंग जैसा फिजिक आपको चाहिए, उसके आसपास लुक देने वाला फिजिक चाहिए, ऐसे में आपको बिल्कुल एक बॉडी बिल्डर जैसा फिजिक नहीं चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं है। आप थ्रू आउट द ईयर नहीं रह सकते उस फॉर्म में। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें, अपनी फिटनेस को एंजॉय करें अपने काम में, ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ में एफिशिएंसी बढ़ा सके काम की, आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें, इसके लिए फिटनेस है। स्पोर्ट्स अलग चीज़ है, तो ये डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। थैंक यू।